मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर क्लिक करें जिससे मिलेगी आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। गाइस वेलकम टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर मोनी दीपा। और आज है वेडनेसडे 7 मार्च, तो आज मेरे लिए कुछ स्पेशल डे है क्योंकि आज है रिया का बर्थडे और मैं जा रही हूँ मंदिर अभी। और सुबह के बज रहे हैं अभी 10:30, ऐसे नहाते वहाते थोड़ा लेट हो गया, दोनों बच्चे घर पे हैं, किशन ऑफिस जा चुके हैं, तो मैं दोनों बच्चों को लेके मंदिर जा रही हूँ और मंदिर में थोड़ा प्रार्थना करके फिर निकलूँगी थोड़ा सा मार्केट और देखती हूँ मार्केट से कुछ खरीदूँगी, क्या क्या खरीदती हूँ वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो रिया और रोहित को लेके मैं जा रही हूँ अभी मंदिर। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए चलते हैं अभी मंदिर। और ये है जगन्नाथ स्वामी का मंदिर और यहीं पे हम आए हैं माथा टेकने के लिए। और ये रिया का फेवरेट मंदिर है, रिया अपने हर बर्थडे पे यहाँ आती है, रिया को ये मंदिर बहुत पसंद है तो इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। और ये मंदिर का एंट्रेंस है और हम मंदिर के अंदर हैं यहाँ पर। और ये है पूरी मंदिर और ये जो पुरी का जगन्नाथ मंदिर है उसी की तरह बनाया गया है, उसी का मॉडल है ये। और यहाँ पर हम जा रहे हैं प्रसाद लेने के लिए, यहाँ एक प्रसाद का स्टॉल है, वहीं से प्रसाद लेके चढ़ाया जाता है मंदिर में, तो वहीं हम जा रहे हैं। और ये है वो प्रसाद भंडार जहाँ से प्रसाद लेते हैं मंदिर के लिए। और यहाँ पे एक ही स्टॉल है प्रसाद का और यहीं से सब प्रसाद लेके मंदिर में चढ़ाते हैं और हम यहाँ से प्रसाद खरीद रहे हैं। और यहाँ पर रिया पूजा कर रही है, रिया दिया जला रही है मंदिर में। और यहाँ बहुत अच्छे से पूजा होती है, यहाँ जन्मदिन पे नाम लेके बच्चे का और पूजा किया जाता है। और यहाँ पर हम मंदिर के अगल बगल में और भी ढेर सारे मंदिर हैं, छोटे छोटे मंदिर, तो वहाँ मैं और रिया दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और रोहित हमें सूट कर रहा था। तो ये है सारा मंदिर का व्यू और पूरे मंदिर के चारों तरफ छोटे छोटे मंदिर हैं अलग अलग भगवान जी के, तो वही हम छोटे छोटे मंदिर में सारे दर्शन कर रहे हैं। और ये है नवग्रह मंदिर, सारे मंदिर में प्रणाम करते हुए निकल रहे हैं आगे। और आप देख सकते हैं मंदिर का गार्डन जो है ये बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर मंदिर के अगल बगल का व्यू है, चारों तरफ बहुत ही सुंदर गार्डन है और बहुत ही साफ सुथरी मेंटेन किया जाता है इस जगह को। और ये पूरा मंदिर और ये जो जा रहे हैं हम, ये सूर्य मंदिर है। और ये है सूर्य मंदिर और ये हम जा रहे हैं अब दूसरे मंदिर में। और यहाँ इतना अच्छा व्यू है मंदिर का, बहुत अच्छा लगता है यहाँ आकर, बहुत ही सुंदर व्यू, चारों तरफ ग्रीनरी है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। और यहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ ये है शंकर भगवान का मंदिर, शिव मंदिर।
और यहाँ पे हम प्रसाद को पैक करवा रहे हैं। पूजा हो गई और हम मंदिर से बाहर निकल रहे हैं और मेरे साथ मेरे दोनों बच्चे हरिहर हुए और ये मंदिर कैंपस के अंदर की ही जगह है। मंदिर के बाहर आगे में है एक तालाब जहाँ पे लोग शाम के टाइम बैठते हैं और इधर राइट साइड में जाते हुए राइट साइड में है बच्चों के लिए झूला वगैरह। तो इन लोगों को मन था कि झूला झूलेंगे बट बहुत धूप था तो ये लोग रिटर्न आ गए। इन्होंने झूला नहीं झूला, कहे कि मम्मी बहुत धूप है चलते हैं वापस ही। तो इस तरह से है पूरे मंदिर का व्यू चारों तरफ, आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर। और हम ये वापस आ रहे हैं और यहाँ पर हम आए हैं डोसा खाने के लिए और ये रिया ने टॉफ़ी ख़रीदा है और इसको ये टॉफ़ी बहुत पसंद है इसलिए बहुत खुश है रिया। और हमने ऑर्डर किया है डोसा, डोसा मेरे दोनों बच्चों को बहुत पसंद है। घर रिया के बर्थडे पे मंदिर गई और मंदिर से फिर मार्केट, वहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया, हमने खाया डोसा। एक्चुअली बहुत लेट हो चुका था, 12 बज चुका था तो हमने सोचा कुछ खा लेते हैं क्योंकि सुबह से बच्चों ने कुछ नहीं खाया था। तो मैं गई और डोसा ऑर्डर किया मैंने, तो फिर डोसा खा के उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा मार्केटिंग किया, रिया के लिए केक खरीदी और उसके लिए न्यू ड्रेस। और अभी मैं दिखाऊंगी आप शायद को इस तरह से पैक करके दिया गया है, मैं दिखाती हूँ। और ये है प्रसाद, तुलसी के पत्ते जो कि जगन्नाथ स्वामी को चढ़ते हैं और एक सिंदूर है ये, और तीन लड्डू थे तो हमने नहीं एक्चुअली चार लड्डू थे जो कि एक रोहित ने खाया और एक लड्डू मैंने और रिया ने खाया। और ये पांच खाजा और ये 51 रुपये का प्रसाद था, आप देख सकते हैं इतना प्रसाद मंदिर में। रिया का बर्थडे केक, रिया को पाइनएप्पल फ्लेवर अच्छा लगता है इसलिए मैंने इसके लिए पाइनएप्पल फ्लेवर का केक लाया है। आज नया ड्रेस, ये ड्रेस मैं लाई थी अभी मार्केट से सुबह में। चलो केक काटो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू रिया, हैप्पी बर्थडे टू यू। केक काट लिया है और हम जा रहे हैं बाहर खाना खाने क्योंकि रात के 8:30 बज चुके हैं, तो हम बाहर जा रहे हैं खाना खाने। और तैयार हो गए तुम लोग? हाँ। चलो। और ये रिया, रोहित और हम सब जा रहे हैं। और इस तरह से हम रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर कर चुके हैं और हमने चिकन मसाला ऑर्डर किया था और रिया के लिए चिकन चिली क्योंकि रिया को चिकन चिली बहुत पसंद है। और हमने ऑर्डर किया था बटर नान, फ्राइड राइस, तो बस इतना ही।
बढ़िया, कैसा लग रहा है? खुश हो? बहुत ही थोड़ा बहुत खुश हो। और यहाँ पे हम रेस्टोरेंट से निकल रहे हैं, अब जा रहे हैं थोड़ा सा घूमने मार्केट की तरफ। अभी हम घर पहुंचे हैं, अभी बज रहे हैं रात के 10 और हमने रेस्टोरेंट में खाना खाया, थोड़ा सा घूमे मार्केट में और फिर हम घर आ गए। काफ़ी लेट हो गया था, 10 बज गया था, तो हम सोचे कि चलते हैं अब घर। बच्चे लोग भी थक गए थे क्योंकि सुबह भी हम बाहर निकले थे, तो हम घर आ गए। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सबको कैसा लगा। फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।